तो आज मैं आपको लेकर आया हूँ रियल वैल्यू सेकेंड हैंड कार शोरूम, जो कि रांची कोकर चौक के पास स्थित है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कार्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ये जो फॉर्च्यूनर देख रहे हैं ये आपको ऑलरेडी सेल हुआ है, तो और भी बहुत सारे कार्स हैं यहाँ पे, जैसे कि आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये सारे कार्स मैं आज कवर करने वाला हूँ। और यहाँ पे जैसा कि बेसिकली ये रियल वैल्यू कार शोरूम है, तो यहाँ पे आपको बैंक से खींची हुई गाड़ियाँ ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो आपको कंडीशन जो है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा और एक्सीडेंटल गाड़ी देखने के लिए नहीं मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर और डिटेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने इससे पिछले वाला वीडियो मेरा नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक। और छोटी सी रिक्वेस्ट, आप मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। आज के इस वीडियो की फर्स्ट कार होंडा अमेज, जिसका बैक प्रोफाइल देख रहे हैं। सबसे पहले फ्रेंड नंबर की बात करें तो ये आपको हजारीबाग का नंबर मिल जाता है, और ये आपको सिल्वर कलर में यहाँ पे मिल जाती है। और बैक प्रोफाइल में अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिल रही है। ये एक इसका ओवरऑल बैक प्रोफाइल। सो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, कोई भी डेंट नहीं है। सो अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में आप देख सकते हैं इसका ओवरऑल व्यू। व्हील की बात करें तो यहाँ पे आप टायर के कंडीशन देख सकते हैं, टायर के कंडीशन एवरेज हैं, और व्हील क्लैंप जो है वो बिल्कुल सही है, अच्छा लग रहा देखने में। और स्क्रैच वगैरह बिल्कुल आपको साइड प्रोफाइल में भी देखने के लिए नहीं मिलता है। आगे के टायर की बात करें तो पिछले वाले टायर की कंडीशन में अच्छी है, और व्हील क्लैंप भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। फ्रंट प्रोफाइल आपको मैं दिखाऊँ, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये फ्रेंड्स 2014 मॉडल है, और 45,000 किलोमीटर ये चली हुई डीजल वेरिएंट में आपको मिल जाती है। हजारीबाग का नंबर, और ये इसका फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट प्रोफाइल भी बिल्कुल आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये था इसका ओवरऑल व्यू। हमारे वीडियो की पहली कार होंडा अमेज 2014 मॉडल। अब इसका इंटीरियर आपको दिखाते हैं। तो ये है इसका इंटीरियर कंडीशन। यहाँ पे आपको डुअल स्पेसिफिकेशन में दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको एक पॉकेट भी मिल जाता है स्पीकर के साथ। ये रहा इसका लेग स्पेस। सीट कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये रहा इसका डैशबोर्ड। तो यहाँ पे इंटीरियर जो है, इंटीरियर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैक साइड में, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये बैक साइड में सीट थोड़ा सा आपको डस्ट है, बाकी ओवरऑल जो है कंडीशन जो है वो आपको यहाँ पे सही मिल जाता है। यहाँ पे अगर म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो ये एक म्यूजिक सिस्टम है। ओल्ड सा एसी नहीं है, एसी आपको लगवाना पड़ सकता है। और उसके बाद ओवरऑल ये था इसका इंटीरियर। अब बात करें इसके प्राइस की फ्रेंड्स, तो इसका प्राइस आपको पड़ जाता है 3,50,000 रुपये। तो ये थी हमारी वीडियो की फर्स्ट कार होंडा अमेज 2014 मॉडल, 45,000 किलोमीटर चली हुई, प्राइस 3,50,000 रुपये। ये हमारे वीडियो की नेक्स्ट कार, और बहुत ही ज़्यादा डिमांड में रहने वाली कार, वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार्स में से ये एक है, बेलेनो 2016 अल्फा टॉप मॉडल। और ये फ्रेंड्स 55,000 किलोमीटर ये चली हुई है डीजल वेरिएंट में। साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये आप देख सकते हैं इसका टायर कंडीशन अच्छा है, और कलर यहाँ पर आपको वाइट एंड ब्लू कलर में ये मिल जाती है फ्रेंड्स। आगे के टायर्स की बात करें तो आगे का टायर्स भी आप यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं, कंडीशन सही है। व्हील क्लैंप्स वगैरह की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, और स्क्रैच तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ये कार कंडीशन में बहुत ही अच्छी है। बैक प्रोफाइल की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको रांची का नंबर मिल जाता है, और बैक प्रोफाइल में भी आपको यहाँ पर ओवरऑल किसी भी तरह का कोई स्क्रैच वगैरह आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। सो कंडीशन इस कार की बहुत ही अच्छी लग रही है। यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर से मिल जाते हैं बैक साइड में, और ये रहा इसका दूसरे तरफ से प्रोफाइल। अब चलते हैं इसका आपको फ्रंट प्रोफाइल दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये है इसका फ्रंट प्रोफाइल, और फ्रंट प्रोफाइल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल इस गाड़ी की कंडीशन ही बहुत ही अच्छी है। तो चलते हैं इसका इंटीरियर आपको दिखाते हैं। सो अब मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। इंटीरियर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डोर स्पेसिफिकेशन मिल जा रहा है देखने के लिए, काफ़ी अच्छा है। स्पेसियस बॉटल भी आप रख सकते हो, स्पीकर वगैरह, पावर विंडो, और ब्लैक कलर में ये टोटली आपको इंटीरियर देखने के लिए मिल रहा है।
यहाँ पे आप स्टेयरिंग व्हील और डैशबोर्ड वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम, एसी, और काफी अच्छी कार है, काफी डिमांड में रहती है, बहुत ही अच्छा। और सीट जो है मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये हल्का सा बस फटा हुआ है। बाकी कंडीशन की बात करें तो कंडीशन बिल्कुल भी फील्दी नहीं है, बहुत ही अच्छी कार, कंडीशन भी काफी अच्छा। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे अब इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस आपको पड़ जाता है 5,75,000 रुपए। नेक्स्ट कार जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हुंडई की i20 स्पोर्ट्स, और नंबर की बात करें तो ये आपको हजारीबाग का नंबर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और ये रहा है इसका बैक प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये 2011 मॉडल है और 45,000 किलोमीटर चली हुई पेट्रोल वेरिएंट में आपको मिल जाती है। बैक प्रोफाइल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो आपको अब मैं दिखाता हूँ इसका साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में सबसे पहले टायर देखें तो टायर भी जो है अच्छे कंडीशन में है, व्हील क्लैंप्स वगैरह सब कुछ सही है, और वाइट कलर में यहाँ पर आपको ये देखने के लिए मिलती है। साइड प्रोफाइल भी इसका ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है। और फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल भी आप यहां पे देख सकते हैं, ओवरऑल इसके कंडीशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी कार की तरह ही। सो अब चलते हैं, इसका आपको इंटीरियर दिखाते हैं। ये है i20 स्पोर्ट्स का इंटीरियर डोर स्पेसिफिकेशन, यहां पे आप देख सकते हैं पावर विंडो के साथ ही आपको मिलता है, और कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है इंटीरियर में ये देखने के लिए। सो ये है इसका ओवरऑल इंटीरियर। डैशबोर्ड काफ़ी स्पेसियस है, और यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छे डिज़ाइन में म्यूजिक सिस्टम, एसी वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा देखने में। और सीट कंडीशन की बात करें तो सीट भी आपको यहाँ पे किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेड रेस्ट सपोर्ट के साथ आपको चारों सीट्स में मिल जाता है। और कंडीशन की बात करें तो कंडीशन भी बिल्कुल फील्दी नहीं है। यहाँ पर आपको एक मैं दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पर आपको एक स्पीकर मिल जाता है, और वहाँ पर भी आपको एक स्पीकर मिल रहा है। सो कंडीशन काफ़ी अच्छी है। बात करते हैं इसके प्राइस के फ्रेंड्स, तो इसका प्राइस आपको पड़ता है 2,75,000 रुपये। सो ये थी i20 स्पोर्ट्स 2011 मॉडल, 45,000 किलोमीटर चली हुई, प्राइस 2,75,000 रुपये। अब हमारे पास जो कार है नेक्स्ट, चलते हैं उसकी तरफ। फ्रेंड्स, अब जो आप कार देख रहे हैं ये है मारुति सुजुकी की जेन एलेक्साई 2007 मॉडल, 59,000 किलोमीटर चली हुई पेट्रोल वेरिएंट। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको इसके टायर्स देख रहे हैं, व्हील क्लैंप देख सकते हैं। सो टायर जो है अच्छे कंडीशन में है, और यहाँ पे 2007 मॉडल है, बाहर से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कार में। साइड प्रोफाइल में देखने में आपको यहाँ पे टायर दिखाऊँ मैं पैसे, यहाँ पे जेके टायर्स के टायर लगे हुए हैं, और कंडीशन जो है अच्छी लग रही है टायर की, अभी आपको चेंज करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बैक प्रोफाइल की बात करें तो बैक प्रोफाइल में भी यहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलता है। बात करें नंबर की तो एक बार फिर से आपको यहाँ पे जमशेदपुर का नंबर देखने को मिलता है। और दूसरे तरफ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हील क्लैंप में ये हल्का सा टूटा हुआ है, यहाँ पे भी आपको हल्का सा ब्रेक देखने के लिए मिलता है। तो ये आपको एक थोड़ा सा जो डिमेरिट मैंने वो आपको दिखाया, चलते हैं अब इसका इंटीरियर दिखाते हैं आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं जेन की इंटीरियर डोर स्पेसिफिकेशन, और यहाँ पे आपको ये ओवरऑल इंटीरियर। सीट कंडीशन अगर मैं कहूँ तो आपको सीट में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है देखने में, बस हल्का सा ये क्योंकि कपड़े का है तो आपको थोड़ा सा डर्ट देखने को मिलता है, धूल वगैरह जो जमे हुए हैं। बाकी डैशबोर्ड देखा है आपको तो काफ़ी स्पेसियस। ये रहा इसका ओवरऑल इंटीरियर कंडीशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसके प्राइस की बात करूँ तो ये आपको पड़ जाता है अप्रॉक्स 1,35,000 रुपये। चलते हैं अपने नेक्स्ट कार की तरफ। नेक्स्ट कार जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10 VXI 2014 मॉडल, 45,000 किलोमीटर चली हुई, 45,000 से 55,000 किलोमीटर ये चली हुई है। और ये इसका ओवरऑल बैक प्रोफाइल यहाँ पे आप देख रहे हैं। फ्रेंड्स, नंबर की बात करें तो आपको यहाँ पे बोकारो का नंबर मिल जाता है, और बैक प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ओवरऑल वाइट कलर में मिलती है, और काफ़ी रिलायबल कार है ये, काफ़ी मिड रेंज में आपको ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे एक अच्छी कार आपको देखने के लिए मिल रही है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे साइड प्रोफाइल में अगर मैं टायर की बात करूँ तो टायर आप देख सकते हैं यहाँ पे
टायर की कंडीशन मैं एवरेज बोलूँगा, लेकिन अभी आपको चेंज करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्रंट में, तो फ्रंट में जो टायर कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है, व्हील क्लैंप्स वगैरह वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ये रहा इसका ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल में भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब चलते हैं, आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं। सो ये है ऑल्टो K10 का डूर स्पेसिफिकेशन और ये इसका इंटीरियर। सीट देख सकते हैं आप, सीट की कंडीशन काफ़ी अच्छी है और कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इसका डैशबोर्ड, एसी और म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है यहाँ पे। और ये रहा इसका स्टीयरिंग व्हील। बैक में आपको दिखाऊं तो बैक में भी यहाँ पे सीट आप देख सकते हैं बिल्कुल भी फील्दी कंडीशन, डर्टी कंडीशन नहीं है, धूल वगैरह कुछ भी नहीं, कंडीशन काफ़ी अच्छी इंटीरियर की। तो बात करें अभी इसके प्राइस की, तो ये आपको पड़ता है अप्रॉक्स 225,000 रुपये में फ्रंट से। ऑल्टो K10 2014 मॉडल 225,000 रुपये में। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कार की तरफ। यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत कार, नेक्स्ट कार हमारे इस वीडियो की स्विफ्ट डिज़ायर मारुति सुजुकी की, और फ्रेंड्स से ये VDI है 2014 मॉडल। और बात करें इसके किलोमीटर की, तो ये आपको 77,000 किलोमीटर यानी कि 77,000 किलोमीटर ये चली हुई है। आपको एक बार फिर से यहाँ पे बोकारो का नंबर देखने को मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक आपको सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा लगाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं इससे। यहाँ पे बात करें इसके साइड में, तो आपको टायर जो है, टायर की कंडीशन अच्छी लग रही है देखने में, और कलर भी जो है इसका काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो आगे में टायर है उसकी भी कंडीशन काफ़ी अच्छी लग रही है, व्हील क्लैंप्स वगैरह बहुत ही अच्छा। सो ये है इसका ओवरऑल व्यू, फ्रंट प्रोफाइल देख सकते हैं आप। यहाँ पे कोई भी डिमेरिट यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं चलता हूँ, आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स ये इसका इंटीरियर आप देख रहे हैं, डूर स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे आपको पावर विंडो मिल जाता है, और ये जो आप फिनिशिंग देख रहे हैं वुडन, काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। लेग स्पेस आपको डिज़ायर में काफ़ी अच्छा मिलता है। ओवरऑल इंटीरियर आप देख सकते हैं, डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम, एसी वगैरह सब कुछ आपको मिलता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वुडन फिनिशिंग देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। ओवरऑल इसका साइड प्रोफाइल, सीट वगैरह आप देख सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हेड रेस्ट सपोर्ट आपको मिल जाता है चारों सीट में, और भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशन के साथ 4,75,000 रुपये में ये आपको मिल रही है यहाँ पे। स्विफ्ट डिज़ायर 2014 मॉडल, 77,000 किलोमीटर चली हुई, डीजल वेरिएंट 4,75,000 रुपये। देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर है, और बहुत ही अच्छा एक बाइंग ऑप्शन यहाँ पे। एक बहुत ही ज़बरदस्त कार महिंद्रा की स्कॉर्पियो S6 प्लस, इसका आप देख रहे हैं बैक प्रोफाइल। देवघर का ये नंबर है फ्रेंड्स, बहुत ही डिमांडिंग कार, बहुत ही एक मस्कुलर डिज़ाइन इसका, और बहुत ही ज़बरदस्त कार। तो बैक प्रोफाइल की अगर बात करें, तो यहाँ पे बैक प्रोफाइल में भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। ये फ्रेंड्स 2016 मॉडल है, और 65,000 किलोमीटर ये चली हुई है, वाइट कलर में यहाँ पे आपको अवेलेबल है। साइड प्रोफाइल की बात करें, तो यहाँ पे आपको टायर देख सकते हैं C8 के टायर लगे हुए हैं, और कंडीशन बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी अच्छा कंडीशन है। अगर आगे के टायर्स की बात करें यहाँ पे, तो आगे के टायर्स भी बिल्कुल पीछे की तरह काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे भी आपको सीट का टायर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे किसी भी तरह का स्क्रैच वगैरह, डेंट कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आप ये एक डिज़ाइन देख सकते हैं रेडिएटर ग्रिल पे, और यहाँ पे किसी भी तरह का ये एक आई थिंक ये छूटा हुआ है। बाकी ओवरऑल यहाँ पे फ्रंट में भी आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। ये इसका ओवरऑल लुक। टायर्स यहाँ पे सब कंडीशन में है, टायर्स बहुत ही अच्छे कंडीशन में। सो चलते हैं, आपको इसका इंटीरियर दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स ये है इसका इंटीरियर, देख लो आप एक बार। यहाँ पे सीट जो है काफ़ी अच्छा, फ्रेश, क्लियर, अच्छे कंडीशन में सीट जो है देख सकते हैं। ओवरऑल कंडीशन भी जो है इंटीरियर की काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे डैशबोर्ड इसका यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी फिटेड आपको म्यूजिक वगैरह, एसी सब कुछ मिल जाता है। प्राइस की बात करें, तो इसका प्राइस आपको पड़ता है 9,25,000 रुपये। जी हाँ, स्कॉर्पियो
S6 प्लस 2016 मॉडल, 65,000 किलोमीटर चली हुई, 9,25,000 रुपये में। फ्रेंड्स, वीडियो की लास्ट कार इसमें इंटीरियर से स्टार्ट करता हूँ, मारुति सुजुकी की वैगनार। और फ्रेंड्स, ये 2015 मॉडल है, 50,000 से 55,000 किलोमीटर चली हुई, पेट्रोल वेरिएंट। कंडीशन आप देख सकते हैं इंटीरियर में, काफ़ी अच्छा कंडीशन। ये रहा इसका म्यूजिक सिस्टम वगैरह, एसी और डैशबोर्ड सब कुछ अच्छे कंडीशन में। ब्लैक कलर में आपको यहाँ पे इंटीरियर देखने को मिल जाता है। और इसका अब आपको बाहर से प्रोफाइल दिखाते हैं। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल यहाँ पे फ्रेंड्स, ये आपको हज़ारीबाग का नंबर है और हज़ारीबाग की रजिस्ट्रेशन है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके टायर की कंडीशन जो है वो अच्छे हैं। और बैक साइड में भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप टायर कंडीशन देख सकते हैं, टायर कंडीशन यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको मिल जाता है। ये रहा इसका ओवरऑल बैक प्रोफाइल, VXI मॉडल। दूसरे तरफ से भी अगर मैं टायर की बात करूँ तो यहाँ पे टायर आप देख सकते हैं, टायर की कंडीशन अच्छी है। और कलर भी जो है काफ़ी अच्छा क्लासिक कलर है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसे। तो ये थी ओवरऑल इस कार की डिटेल। बात करते हैं प्राइस की, तो इसका प्राइस आपको पड़ता है 3,25,000 रुपये। फ्रेंड्स अब वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। एंड करने से पहले आपको मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूँ फाइनेंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनेंस जो है झारखंड के सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए अवेलेबल है। और बात करें इंश्योरेंस की और नाम ट्रांसफ़र की, तो वो भी आपको यहाँ पे हो जाता है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। उसकी आप जानकारी जो है यहाँ पे आकर के ले सकते हैं। और बात करें कितना टाइम लगता है नाम ट्रांसफ़र में, तो वो अप्रॉक्स 1 मंथ का टाइम आपको लग जाता है। इसी जानकारी के साथ वीडियो को एंड करेंगे। लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए, और अपना सपोर्ट बनाने के लिए शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।